नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पर हम दोनों का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। टॉपिक जो है हमारा दोस्तों, बरसात के टाइम पे हमें स्लैब कास्टिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अगर बरसात हो रही है तो उस टाइम स्लैब कास्टिंग अगर हो रही है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसे ही जितने भी टॉपिक आते हैं बरसात में स्लैब कास्टिंग से जुड़े, मैं उन सभी टॉपिक को आज कवर करूंगा। क्या दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आ सकती है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा शुरू से लेकर एंड तक, तो आपके स्लैब में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि दोस्तों फिर आप उसको प्रिकॉशन ले नहीं पाओगे तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें कि आपको किन किन प्रिकॉशंस की जरूरत होती है बरसात में अगर स्लैब कास्टिंग करवा रहे हो तो। और दोस्तों, स्लैब कास्टिंग करवाना चाहिए या नहीं चाहिए, इस बात का भी जवाब मैं आज जरूर दूंगा इस टॉपिक में, इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो नीचे फटाफट जाकर के लाल कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल बजाने से होगा क्या दोस्तों, इसी तरह की जो हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सिविल साइट और घर बनाने से जुड़ी हुई, वो आप तक सीधा डायरेक्ट पहुंचती रहेगी। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की कि हमें बरसात के समय स्लैब कास्टिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, बरसात का मौसम है, हमें स्लैब कास्टिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। ऐसे में दोस्तों उन साइड पर सबसे ज्यादा मैंने देखा है काम होते हुए, जहां एक ठेकेदार बेस पे आप काम दे रखा है, वहां उसने टाइम बना रखा है, तो वो बरसात हो चाहे कुछ भी हो, वो आपका स्लैब कास्टिंग करवा देगा। मैंने ये चीज अक्सर देखी है ठेकेदारी वाली साइड पे, जहां पे आपने कॉन्ट्रेक्टर को काम दे रखा है तो वहां स्लैब कास्टिंग, चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो चाहे कैसा भी हो, स्लैब कास्ट करवा देगा। लेकिन दोस्तों मेरा सीधा जवाब है, जब आपका बरसात हो रही है, जब आपकी बारिश हो रही है, तो वहां पे स्लैब कास्टिंग बिल्कुल भी ना करवाएं। ऐसा करवाते हैं तो आपके स्लैब पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। और दोस्तों, स्लैब की जो नेचुरल स्ट्रेंथ आती है ना, वो स्ट्रेंथ कभी भी वो गेन नहीं कर पाएगा, कभी भी वो स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें बरसात हो गई है, पानी क्वांटिटी उसमें ज्यादा मिल गई है उसके मोर्टार में। अब दोस्तों, जब भी हम अपना स्लैब कास्टिंग या कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो वहां पे एक फिक्स रेशियो होता है हमारा। मान लीजिए कि हम एक बैग सीमेंट का रेशियो, एक बैग सीमेंट का कॉन्क्रीट बना रहे हैं, तो वहां पर हमारा एक बैग सीमेंट हो गया, चार हमारा रोड़ी हो गया, चार हमारा डस्ट हो गया, तो ऐसे में ये एक फिक्स रेशियो है। इतना ही दोस्तों, इसी के हिसाब से हमारा पानी होता है, इतने लीटर हमारा पानी डालना है। मान लीजिए कि 22 लीटर पानी डालना है, मान लीजिए कि 30 लीटर पानी डालना है, तो मान लीजिए 30 लीटर पानी डालना है। अब 30 लीटर जब पानी डालना है उसमें, तो होगा क्या, जब आपने बरसात के टाइम पर कॉन्क्रीटिंग करवा दी तो उसमें आपका पानी ज्यादा हो जाएगा, 30 है तो 35-40 ऐसे पानी, एक्स्ट्रा पानी मिल जाएगा उसमें। एक्स्ट्रा पानी में मिलने से दोस्तों होगा क्या, आपकी वर्केबिलिटी, मतलब कि आपका जो काम करना जो है ना, लेबर को बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पानी वहां मटेरियल को ज्यादा गीला हो गया, उसको उसके लिए खींचना, उसके लिए फिनिशिंग देना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसे में होगा क्या कि जो अभी आपका कॉन्क्रीट है उसकी स्लेरी, उसका जो स्लेरी है वो एकदम से सारी बह जाएगी। तो मतलब स्लेरी क्या हो गया दोस्तों, जो आपका डस्ट जो उसके ऊपर से सीमेंट जो है, जो आप कॉन्क्रीटिंग करते हो तो सीमेंट जो उसके ऊपर आ जाती है, ऐसे में वो सीमेंट जो है वो आपकी सारी बह जाएगी ऊपर से, जो कि बहुत ज्यादा खराब होता है आपके छत की स्ट्रेंथ के लिए। ऐसे में सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ नहीं ले पाता है। अगर आपने कास्टिंग कर दिया है, एटलीस्ट 30 मिनट गुजर चुके हैं, जो कि एक सीमेंट के एक मोर्टार का जो स्टार्टिंग टाइम होता है सेट होने का, वो 30 मिनट होता है। तो दोस्तों ऐसे सीमेंट में 30 मिनट का टाइम होता है, अगर वो 30 मिनट गुजर गए तो भी एक टाइप से चल जाता है, क्योंकि ऐसे में इतनी देर में 30 मिनट के बाद आपका जो सीमेंट मोर्टार है वो पानी जो है वो एक तरह से सोख लेता है, एक जगह पे सोख लेता है, तो वो एक उसका जो सेट होने का प्रोसेस है वो चालू हो चुका होता है। ये मिनिमम टाइम है सेट होने का, उसके बाद जब प्रोसेस चालू हो जाता है तो 30 मिनट के बाद अगर बारिश पड़ जाए तब उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, जब आपके कास्टिंग शुरू होते ही उस टाइम पे पानी डल जाए। ऐसे में दोस्तों, अगर आपके, मान लीजिए आप कास्टिंग करवा रहे हो, बारिश हो जाए, तो ऐसे में आपको पहले से ध्यान रखना है कि आपको पन्ने प्लॉथिंग का जुगाड़ करके रखना है। प्लॉथिंग का जुगाड़ आपने कर लिया, अब बरसात शुरू हुई तो फटाफट से उसको ढकवाइए। ऐसे में भी कई बार गलती होती है कि
स्लैब कास्टिंग करवाते टाइम पे का उस स्लैब से चिपका करके आपने पन्नी बिछा दी, पन्नी बिछा दी अच्छी बात है, स्लैब से चिपका के ये गलत बात है। अब दोस्तों ऐसे में जो हमारा कंक्रीट का सेट होने का टाइम है वो बढ़ जाता है क्योंकि उसमें हवा तो लगी नहीं, लग नहीं रही है क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक बिछा हुआ है। ऐसे में दोस्तों कई बार आपको क्या ध्यान रखना है कि जितनी कास्टिंग हुई है, पहली बात तो जितनी कास्टिंग हुई है और बरसात चालू हो गई तो उसको वहीं रोक दीजिए, आगे कास्टिंग मत करवाइए। अगर मान लीजिए आधी छत कास्टिंग हुई और बरसात आ गई तो उसको वहीं रोक दीजिए, अगले दिन का प्रोग्राम बना लीजिए वहीं से रोक करके। उस टाइम तो बिल्कुल भी मैं कहूंगा आप कास्टिंग बिल्कुल भी नहीं कराइए। आधी छत हो गई है तो वहां पे तुरंत आप प्लॉथिन से ढकवाएं और ऐसे में भाड़ा लगवा करके, सपोर्ट लगवा करके दोनों तरफ से पन्नी का ढाल बना के ढकवाएं, उसके ऊपर बिल्कुल चिपका के मत ढकें। ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि पूरी तरह छत ढके भी नहीं, अगर आपके चिपका के जगह कि अगर आप चिपका के प्लॉथिन लगाते हो तो कभी भी पूरी तरह नहीं ढकेगी। वो इसलिए ढकेगी, कई कारण है उसमें। अगर आपने कॉलम के लैप निकाल रखे हैं तो कॉलम के लैप के सरिया आपके बाहर होंगे तो वहां पे आपका प्लॉथिन कवर नहीं कर पाएगा, करेंगे तो प्लॉथिन फट जाएगी, ऐसे फट जाएगी तो वहां पर आपका पानी जाएगा ही जाएगा। ऐसे में और अगर और पांव के निशान जाएंगे, बार बार इधर उधर खड़ करेंगे तो मतलब, इसलिए दोस्तों उसके ऊपर चिपका के तो बिल्कुल भी किसी कीमत पे आपको पॉलीथिन नहीं रखनी है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, बात कर लेते हैं। आपने जैसे कि मैंने बताया कि सीमेंट में, अब दोस्तों ऐसे में क्या होता है, आप स्लैब कास्टिंग करवा रहे हो बरसात के समय में तो ऐसे में डस्ट जो होता है एग्रीगेट में, तो अगर पानी हो जाए वो तो चलो निकल जाता है, लेकिन जो डस्ट है वो एक हमारा पानी सोखने वाला है, डस्ट हो गया, रेत हो गया, जो जमुना सैंड हो गया, वो पानी सोखता है, पानी ऑब्जॉर्व करता है, तो ऐसे में उसके अंदर पानी रह जाता है। हमने जो क्वांटिटी दे रखी है कि डस्ट में हमारे जो कंक्रीट बनने टाइम डलनी चाहिए उससे पहले ही उसमें उतना, उससे ज़्यादा पानी, उस पानी डला हुआ है उसमें, और प्लस जो हमारा हमने पानी सोच रखा है हमें देते हैं उतना पानी तो हम देंगे ही देंगे उसमें। अब ऐसे में पानी का क्वांटिटी बढ़ जाता है। आपने कई बार अक्सर देखा होगा कि आपका जो जमुना सैंड जो आपके प्लस्तर करने में यूज किया जाता है उसमें अगर वो गीला हो तो वो प्लस्तर कभी नहीं करता है मिस्त्री उसमें, उस जमुना सैंड से, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उस जो जमुना सैंड है उसमें आपका सीमेंट मिल ही नहीं पाएगा ढंग से। और ऐसे में ही जब आपका कॉन्क्रीट बना रहे हो आप तो उसमें उसमें एक्सीड पानी, जब पानी का लिमिट ज्यादा हो जाने के कारण जो सीमेंट है अपना नेचुरल स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा और सीमेंट बह जाएगा उसमें से जब आप कंक्रीटिंग करेंगे, तो इसलिए अब बरसात के टाइम पे कंक्रीट निकले उसमें दो तीन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, जैसे कि वेदर रिपोर्ट का ध्यान रखें। मान लीजिए कि कल आप कास्टिंग करवाने वाले हैं तो उस टाइम पे आप उस कास्टिंग करवाने से पहले आप वेदर रिपोर्ट देख लीजिए। आजकल फोन पे इंटरनेट पे बहुत आराम से वेदर रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है, एक हफ्ते 10 दिन तक की बहुत आराम से वेदर रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो आप कल आप कास्टिंग करवाने वाले हैं तो एक दिन पहले वेदर रिपोर्ट देख लीजिए कि बरसात का मौसम है नहीं है, उस हिसाब से कास्टिंग का प्रोग्राम बनाइए और फिर आप कास्टिंग कीजिए स्लैब की। ऐसे में अगर आप मान लीजिए कि आप स्लैब डलवा रहे हो और अचानक से बारिश आ गई तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, अचानक से बारिश आ गई और उस टाइम पे आप दोस्तों बारिश रुकने के बाद आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले चेक करो कि स्लैब में कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ा। और ऐसे में इफेक्ट क्या पड़ता है कि रोड़ी एग्रीगेट, हमारा जो एग्रीगेट डस्ट है वो साफ ऊपर से दिखाई देने लगता है, थोड़ा ऊपर से खराब नजर आने लग जाता है। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि सीमेंट का एक मोटा घोल बना करके उसमें मिलाकर उसको सरफेसिंग का, सरफेस को क्लीन दे कर सकते हो। वैसे इसको करने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद एक पपड़ी बन के निकल जानी है, लेकिन फिर भी आप ये एक एक टेम्परेरी तौर पे कर सकते हो जो कि ठीक रहता है। अगर आपका स्लैब कास्ट कर दिया है आपने और आपको कितने टाइम के बाद बारिश होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट दोस्तों अगर आपने स्लैब कास्ट कर दिया है तो 10 घंटे के बाद अगर बारिश होती है तो आपके स्लैब को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद तो आपको 10 घंटे के बाद अगर बारिश होती है तो वो आपके स्लैब के लिए अच्छा ही है। वो इसलिए अच्छा है कि ऑटोमेटिकली आपका स्लैब की क्यूरिंग हो रही है, क्यूरिंग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर 10 घंटे के बाद अगर उसमें पानी पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से पानी पड़ने दीजिए उसके ऊपर, और अच्छी बात है उसके ऊपर पानी पड़ रहा है 10 घंटे के बाद। 10 घंटे के बाद वो अच्छा स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, उसका जो मैक्सिमम टाइम है सेट होने का कंक्रीट का वो 10 घंटा है। तो 10 घंटे के बाद पानी पड़े कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसमें
वाटर सीमेंट वाटर डस्ट रेशियो में आपका पानी ज्यादा होने के कारण जो दिक्कत आती है आपको पता चल चुका है। बरसात के मौसम में आपको स्लैब कास्टिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए वो आपको पता चल चुका है। आखिरी में दोस्तों मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा स्टॉप इस वीडियो पे कि कुल मिला के बात यह है कि आपको वेदर रिपोर्ट का ध्यान रखना है। बरसात के टाइम पे आपको किसी भी हालत में कॉन्क्रीटिंग नहीं होने देनी है, स्लैब कास्टिंग नहीं होने देनी है। कोशिश करना है कि अवॉइड करना है कि स्लैब कास्टिंग ना हो। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं समाप्त। और वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं अपनी राय। और दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज 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 प्लीज, प्लीज लाइक जरूर कर दोस्तों, हमें आपके लाइक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लाइक करते हो दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। चलो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में फटाफट जल्दी जल्दी।